फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप सबको लेके आई हूँ ऐसी जगह जो बहुत ही अमेजिंग है, नेचर से फुल है और बहुत नज़दीक है शारजा में। आई लिव इन अ शारजा, सो मैं यहाँ पे एक ऐसी लोकल जगह एक्सेस करती रहती हूँ, एक्सप्लोर करती रहती हूँ जो बहुत ईजी हो आने में और साथ के साथ हम बहुत इंजॉय कर पाए, किड्स फ्रेंडली हो। तो फाइनली मुझे एक जगह मिल गई है जो बहुत ही अमेजिंग है, ये है शारजा यूनिवर्सिटी पार्क। और मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ व्हाट इज इनसाइड। सो कैन यू सी, दिस इज कम्प्लीटली ओपन एरिया और पूरा ग्रास से कवर है। साथ में है वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जिसपे आप वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं, हम भी अडल्ट्स भी साइकिलिंग कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया और ये आप जो देख रहे हो दिस इज सर्क्यूलर शेप में, दिस इज अ थाई रेस्टोरेंट नेम थाई कैफे, जिसमें थाई के बहुत ही अमेजिंग डिशेस मिलती है। जिन लोगों को थाई करी एंड थाई डिशेस खाना है वो यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सूदिंग सा ऐसा रेस्टोरेंट है, बहुत ही अमेजिंग सा इंटीरियर है। मैं आपको नेक्स्ट मेरे वीडियो में दिखाऊंगी कि हाउ इज़ इट इनसाइड। एंड लुक एट दिस एरिया, दिस इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ नेचर, लुक एट द ट्रीज ओवर देयर। और इस पार्क के बाद हाईवे स्टार्ट होता है और आपको मैं बता दूँ इट्स ये जैसा इतना बड़ा एरिया, ऐसे थ्री एरियाज है बैक टू बैक एंड इट्स अमेजिंग। ये है किड्स प्ले एरिया, यहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ के आराम से वॉक कर सकते हैं, बच्चे भी बिल्कुल बोर नहीं होंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ओवर देयर, दे हैव प्ले एरिया, दे हैव ट्रैम्पोलिन ओवर देयर। एंड ये बिल्कुल ही रबर्ड से बना हुआ है फ्लोरिंग इसका, तो गिर भी जाएंगे तो भी कोई चोट नहीं लगेगी। बहुत ही किड्स फ्रेंडली ऐसा ये एक किड्स एरिया है। अंदर का व्यू मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन ये बाहर से ये रेस्टोरेंट ऐसा लगता है जहाँ आप अपने बच्चों को आराम से प्ले एरिया में छोड़ सकते हैं और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में खाने का लुत्फ़ उठा सकते हो। स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये रेस्टोरेंट तो बनता है ट्राई करना। दिस इज़ अ रेस्टोरेंट, वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल। करते जाते हो, इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया, आप रोज़ यहाँ आ सकते हो। अपना कार पार्क करना इज़ एक्सट्रीमली ईजी, कार पार्क करो, वॉक करो एक दो घंटे। आप देख सकते हो यार इतनी हवा, इतनी ओपन एयर है, मज़ा आ रहा है। और अभी विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है बच्चों का। दिस इज मे बी कॉल्ड अ जिम ऑल्सो, तो ये किड्स जिम है, ओपन एरिया, ओपन डोर जिम, आउटडोर जिम कह सकते हैं, नॉट ओपन डोर। तो दिस इज ये सैंड में बना हुआ है और इसमें जो बच्चों को एडवेंचर पसंद है, बड़े बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो देखो खास करके ऐसा लगता है दिस इज अ किड जिम, ये रेस्टोरेंट है और वहाँ पे एक प्ले एरिया। तो दिस एंड इट्स अ वे पे चल रही हूँ एंड आई थिंक मुझे लगता है एक राउंड यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का है। अगर आप पूरा राउंड लगाते हो इस एक ही पार्क का तो इज इक्विवेलेंट टू 1.5 किलोमीटर मे बी, आई एम नॉट श्योर बट येस बिकॉज इट्स वेरी बिग। और आप यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं और अगर आप 4 राउंड भी लगा लो तो भी आपका पूरे दिन का वर्कआउट 1.5 घंटे में ख़त्म हो सकता है। ये एक्चुअली फाउंटेन है, अभी बंद है, मे बी शुरू हो जाए, कभी कभी शुरू होता है कभी नहीं शुरू होता है, ऐसा इसका है। लेकिन दिस इज़ इट कम्प्लीटली ओपन और बहुत ही अमेजिंग। आई होप आप सबको ये एरिया पसंद आया। जो शारजा में रहते हैं प्लीज़ ट्राई इट आउट, जो दुबई में रहते हैं वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पकड़ के। तो दिस इज़ दिस और